स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी के रेडियो बुलेटिन में। मैं आपके साथ सिमरन, चले सुनाते हैं आपको आज के रेडियो बुलेटिन। मध्य प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व की मुलाकात थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वरिष्ठ नेताओं की बैठक बीजेपी में किसी बदलाव के संकेत दे रही है। हालांकि बीजेपी लगातार उन मुलाकातों को संगठन के विस्तार की मुलाकात बता रही है, जबकि मामला कहीं न कहीं संघ संगठन और सिंधिया केंद्रित भी आका जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली यात्रा पर है। इधर कांग्रेस द्वारा लगातार पार्टी से बागी बनकर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को निशाना बनाया जाता रहा है। बीते दिनों राज्य के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला था। इस दौरान जयवर्धन सिंह ने कहा था कि जब से सिंधिया भाजपा में गए हैं तब से वहां गुटबाजी और भी गहरी हो गई है। इतना ही नहीं, सिंह ने कहा था कि कांग्रेस में सिंधिया का महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन सिंधिया को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए। मीडिया से चर्चा के दौरान सिंह ने एक सवाल किया कि आखिर बीजेपी में सिंधिया की जगह क्या है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह के सवाल पूछे गए हैं। इससे पहले भी कई बार बीजेपी में सिंधिया की जगह को लेकर चर्चाएं होती रही। हालांकि जयवर्धन सिंह ने कहा कि सिंधिया के मंत्री का नेताओं और कार्यकर्ताओं से हमेशा विवाद रहता है, जिस वजह से कार्यकर्ता और बीजेपी सहित संघ काफी खफा है। देश भर के कई हिस्सों से वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर मैग्नेट बन जाने की खबरों के बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन और छतरपुर में भी इसी तरह का दावा किया जा रहा है। उज्जैन के नेहरू नगर में रहने वाले एक बुजुर्ग ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के 7 दिन बाद घर में बच्चों ने शरीर पर सिक्के, चम्मच, बोतल का ढक्कन सहित हाथ का कड़ा शरीर पर चिपकाया तो सभी चिपक गए, जिसके बाद से 64 वर्षीय बुजुर्ग मांगीलाल मालवी ने के घर उनको देखने वालों की भीड़ लगने लगी है। मांगीलाल ने बताया कि टीवी पर खबरें देखकर पोतों ने मेरे शरीर पर चम्मच चिपका कर देखी तो वो चिपक गई, जिसके बाद दिन भर कई तरह की लोहे की छोटी चीज़ों को चिपकाया तो चिपकने लगी। मांगीलाल कहते हैं कि अब आसपास वालों के लिए मांगीलाल का घर कौतूहल का विषय बन गया है। मांगीलाल के पोते हर्ष ने भी दावा किया कि दादा के शरीर पर हल्की वस्तु चिपक रही है, जिसमें चम्मच, चाबी, ढक्कन और कड़ा शामिल है। बुजुर्ग के शरीर को पोंछकर चिपकाने के बाद भी चम्मच, चाबी, ढक्कन चिपक गए। मांगीलाल ने बताया कि उन्होंने 7 जून को कोविशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया था, जिसके बाद घर पर टीवी पर खबर देखकर शरीर पर चिपकाने की कोशिश की तो सभी वस्तु चिपक गई। मध्य प्रदेश अनलॉक होने के साथ ही अब अंतर्राज्यीय बस सेवा फिर से शुरू की जा रही है। कोरोना के कारण पड़ोसी राज्यों से बसों की आवाजाही पर रोक थी। शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए यात्री बसें अब पहले की तरह चलने लगेगी। परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। कोरोना के कारण मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र में बसों के आने जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध था। अब कोरोना काबू में होने पर परिवहन विभाग ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र से आने और जाने वाली बस के संचालन पर रोक को जारी रखा है। ये रोक 22 जून तक रहेगी। 3 राज्यों के लिए बस सुविधा शुरू परिवहन विभाग ने महाराष्ट्र को छोड़कर 3 राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू कर दी है। इन यात्री बसों के संचालन के दौरान बस मालिकों को कोरोना गाइडलाइन का पालन खुद भी करना होगा और साथ ही यात्रियों को भी इसका पालन कराना होगा। यदि कोई गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया तो परिवहन विभाग की टीम उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करेगी। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में छात्र और अभिभावक जानना चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे। उत्तर प्रदेश में 1 से 8 तक के स्कूल 1 जुलाई से खुल जाएंगे, हालांकि कक्षाएं अभी ऑनलाइन ही चलेगी। आदेश के अनुसार इस दौरान स्कूलों में 100% बच्चों का विद्यालयों में नामांकन, मिड डे मील, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, ऑपरेशन कायाकल्प की गतिविधियों, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ई पाठशाला का संचालन और जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों एवं दायित्वों का संचालन किया जाएगा। साथ ही मान्यता प्राप्त अन्य विद्यालयों में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति निर्णय लेगी। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही निजी स्कूलों ने एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में 1 से 12 तक के स्कूल जल्द खोले जा सकते हैं। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि स्कूल खुलने को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, इस संबंध में बाद में फैसला लिया जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत को जल्द ही एक और टीका मिल सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पुनावाला ने उम्मीद जताई है कि
नोवावैक्स की वैक्सीन कोवोवैक्स सितंबर तक भारत में लॉन्च की जा सकती है। फिलहाल देश में सीरम की ही कोविशील्ड, भारत बायोटेक में तैयार हुई कोवैक्सीन को और रूस की स्पुतनिक वी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुनावला ने कहा कि कोवोवैक्स के ट्रायल्स पूरे होने वाले हैं और उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर रेगुलेटरी से अनुमति मिलती है तो कोवोवैक्स सितंबर तक भारत में लॉन्च होने के लिए तैयार हो सकती है। उन्होंने बताया कि भारत में नोवावैक्स की वैक्सीन के ट्रायल नवंबर तक पूरे किए जा सकते हैं। सितंबर 2020 में नोवावैक्स ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ अपनी वैक्सीन को लेकर उत्पादन समझौते की घोषणा की थी। सीरम के सीईओ ने जानकारी दी कि देश में ट्रायल का दौर पूरा होने से पहले भी कंपनी वैश्विक डेटा के आधार पर लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकती है। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ एमपी के रेडियो बुलेटिन, मुझे दीजिए इजाजत। इसी तरह की हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। जय हिंद, जय भारत।